बछरावां स्टेशन पर सुबह 5:25 के लगभग मालदा टाउन एक्सप्रेस में विस्फोटक सामग्री जैसा कुछ मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन से सामान उतारा और स्टेशन पर रखवा दिया है। स्टेशन को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर उपस्थित है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से बम निरोधक दस्ता बछरावां पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि बछरावां में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन में विस्फोटक पदार्थ मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही ट्रेन को बछरावां रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वायर टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि मालदा एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में एक संदिग्ध डिब्बा मिला है जिसमें विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना है। बछरावां रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में आरपीएफ व स्थानीय पुलिस मौजूद है। डॉग स्क्वायर टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। वहीं बछरावां सहित पूरे रायबरेली जनपद में इस खबर फैलते ही अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं मामले में सीओ विनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ते ने जब टिफिन खोलकर देखा तो बम की खबर अफवाह निकली। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। लेकिन साला टॉयलेट में तो रख दिया गरम वाला हरामी है ना सर। टॉयलेट पे भाई नारे था भाई बिल्कुल टॉयलेट खाली धो के रख दिया होगा मैंने धो के उनका भेजा हुआ तुमने मेरा भाई आ गया यार थोड़ा सा दूर हो जाएगी ऊपर वाले से ऊपर चलो चलो ड्रॉप भैया भैया अंकुर साइड में आ जाओ मेरा भाई आ गया थोड़ा सा दूर हो जाएगी मालदा टाउन जो दिल्ली से मालदा टाउन जा रही है जब लखनऊ क्रॉस की तो दिलकुशा के पास किसी यात्री ने ट्रेन से शिकायत की थी। एसटी बोगी में गटिन के पास एक डिब्बा मिला जिसमें वायर निकल रहा है। टीटी ने तत्काल कंट्रोल को सूचना दी। एहतियातन ट्रेन जब बछरावां पहुंची तो हमारे आरपीएफ के जवान ने और पुलिस के साथियों ने डिब्बे को ट्रेन से उतारा। उसके बाद आगे ट्रेन रवाना कर दी गई। बम डिस्पोजल टीम आई जिसके बाद उन्होंने
सूट पहन के डिस्पोज किया, लेकिन जब देखा गया टिफिन को खोल के तो अफवाह थी, उसमें कुछ था नहीं, सिर्फ वायर निकलने के कारण ये सारी अफवाहें निकाली गई।